उधर से एक बाया कैपेसिटर एक रजिस्टर सीरीज में होकर इस आईसी को आ रहा है और इसका है एलसीडी रीसेट की ये सप्लाई इसको मिल रही है। और बेसिकली जब आप पावर की दबाते हैं तो वो सप्लाई जो रीसेट हो जाती है ये उसकी एक सप्लाई है। तो ये बहुत मेन सप्लाई है जो इसको यहाँ पर मिल रही है। अब हम बात करेंगे A2 में इसको I2 LCD के इनेबल सिग्नल नहीं मिलेंगे तो ये IC ये लाइट सेक्शन काम नहीं कर सकता, नहीं करेगा बेसिकली। और ये कैथोड की लाइन अगर इसमें से प्रॉब्लम हुई तो ब्राइटनेस की फॉल्ट आ सकता है या फिर हाफ लाइट जल सकती है या तो लाइट। देखिए आपको मल्टीमीटर की आवाज आ रही होगी आई होप सो। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि पूरे बोर्ड में सिर्फ C2 और C3 ही ग्राउंड है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब हम कोल्ड टेस्टिंग कर लेते हैं और ये करके ये देखिए आपका एक तरह के एक मॉसफेट आईसी लगी हुई है। दो ये चार्जिंग रेगुलेटर है आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे ग्राफिस आईसी लगी हुई है, ये एक पावर की सेक्शन मैंने बताया पावर की आईसी सीरीज में जो डायोड है यहाँ पे आप देखिए कि ये पूरी तरीके से मेरा टच भी वर्क कर रहा है। और यहाँ पर ये देखिए ब्राइटनेस भी हमारी कम ज़्यादा हो रही है यहाँ पर। और उसके साथ में यहाँ पर चार्जर